नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में टिकटों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने सभी जिला प्रभारियों की बैठक हुई। पीसीसी चीफ ने सभी जिला प्रभारियों की बैठक ली। कांग्रेस में टिकटों की माथापच्ची में जिताओ और टिकाओ को प्रत्याशी बनाया जाएगा। 129 नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस में टिकट पाने के लिए होड़ मची है। 4 अगस्त तक सभी 129 नगर निकाय के टिकट फाइनल कर दिए जाएंगे। जिला स्तरीय कमेटी उम्मीदवारों को सिंबल देगी। साथ ही पीसीसी चीफ पायलट ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। वहीं पूर्व मंत्री अशोक बैरवा का कहना, जनता सरकार की नीतियों से दुखी है, जनता इस बार कांग्रेस के हाथ का साथ देगी। हम लोगों ने इस बार हर जिले में कमेटियां बनाई हैं और जिले के जो प्रमुख नेता हैं, पूर्व सांसद, विधायक, प्रमुख, प्रधान, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जो हमारे अग्रिम संगठन हैं, युवा कांग्रेस, महिला सेवा दल, NSY, उन सब लोगों की भागीदारी के साथ हम लोग टिकट वितरण करने का काम कर रहे हैं इस बार। और अधिकांश जगहों पर सभाएं हो गई हैं और एक कंसेंसस और आम राय बन रही है, जो एक मैं समझता हूँ बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि टिकट मांगने वालों की संख्या ज़्यादा है। लोगों को लगता है कांग्रेस पार्टी का पल्ला भारी है, हम लोग चुनाव जीतेंगे, तो दावेदारी ज़्यादा लोग कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में भारी उत्साह है कार्यकर्ताओं में, जनता भी अब कांग्रेस की ओर देख रही है। नगरीय क्षेत्र में जो वायदे किए थे बीजेपी सरकार बनने से पहले, वो सब सरकार बनने के बाद भूल चुके हैं। जनता को जो उम्मीदें थी बिल्कुल धराशायी हो गई है। जनता निराश और त्रस्त और परेशान है और एक मौका है, वो कांग्रेस को मजबूती करने के लिए साथ जुड़ना चाहते हैं।